गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाउ आज मैं आपको कॉन्ग्रेंस के बारे में बताने वाला हूँ कि कॉन्ग्रेंस क्या होता है। इसके बारे में आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेंस क्या होता है। इन ज्योमेट्री, टू फिगर और ऑब्जेक्ट आर कॉन्ग्रेंस इफ दे हैव सेम शेप एंड साइज। इफ वन हैज सेम शेप एंड साइज एज अ मिरर इमेज ऑफ इच अदर। यानी कि कहना ये चाहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो कॉन्ग्रुएंस तब होगा जब उसके कोई भी दो, कोई भी शेप और साइड जो है सेम होगा। यानी कि उसके लेंथ और ब्रेथ, यानी कि जो भी है वो सब कुछ आपका सेम होगा। जैसे कि अब और आपको आसानी से समझ सकते हो। इन वर्ड, द प्लेस ऑफ कॉन्ग्रेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, टू लाइन सेगमेंट आर कॉन्ग्रेंट इफ दे हैव द सेम लेंथ, टू एंगल आर कॉन्ग्रेंट इफ दे हैव द सेम मेजर, टू सर्कल आर कॉन्ग्रेंट इफ हैव द सेम डायमीटर। कॉन्ग्रेंसी का मतलब ये होता है कि अगर हम उस किसी भी लाइन सेगमेंट की बात की जाए तो उसका लाइन जो है वो सेम होना चाहिए। यानी कि अगर मान लो एक ए बी लाइन है वो 5 सेंटीमीटर है, तो पी क्यू लाइन भी 5 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए, तभी वो लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रेंस है। इसी तरीके से एंगल की बात करते हैं। दो एंगल कॉन्ग्रेंस कब होंगे, जब एक एंगल 60 डिग्री का है तो दूसरा एंगल भी 60 डिग्री का ही होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो एक डायग्राम नजर आ रहा होगा, ए बी सी, और दूसरा है ए डैश बी डैश और सी डैश। अब देखो दोनों ही एंगल में, आप दोनों ही ट्रायंगल में आपको क्या नजर आ रहा है, ये कॉन्ग्रुएंस नजर आ रहे हैं। क्यों? अब देखो इससे पहले भी एक और एग्जाम्पल, एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्ग्रेंस, द टू ट्रायंगल ऑन द लेफ्ट आर कॉन्ग्रुएंट व्हाइल द थर्ड इज द सिमिलर टू देम, द लास्ट ट्रायंगल इज नाइदर कॉन्ग्रेंस नॉर सिमिलर टू एनी ऑफ द अदर कॉन्ग्रेंस परमिट्स। मीन्स ये कह रहा है कि ये तो जो ट्रायंगल है ये कॉन्ग्रुएंस है, बट अदर जो है वो कॉन्ग्रुएंस नहीं है, क्योंकि ना तो इनका लेंथ सेम है, ना ही ब्रेथ सेम है, ना ही हाइट सेम है, और ना ही इनके बीच का जो एंगल सेम है। इसी तरीके से यहाँ पे आप ट्रायंगल के थ्रू बताने की कोशिश कर रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डैश बी डैश एंड सी डैश, द डायग्राम स्टेट दैट द ज्योमेट्री इंक्लूड ऑफ द एंगल साइड एंगल एंगल साइड एंगल। कॉन्ग्रुएंस आर गिवन इन द ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश, द ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट विद द ट्रायंगल ए डैश बी डैश एंड सी डैश, क्योंकि एंगल साइड एंगल के थ्रू ये इक्वल है। अब एंगल साइड एंगल क्या होता है, साइड एंगल साइड क्या होता है, ये भी चीजें अब मैं अभी आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले तो ये देखो, आपको ये जो साइन नजर आ रहा होगा ना, ये आपका कॉन्ग्रुएंस का साइन है। ठीक है, कि कॉन्ग्रेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे ये आपको, ये है आपका ये। अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि साइड एंगल साइड क्या होता है और एंगल साइड एंगल क्या होता है। ठीक है, नीचे आ जाते हैं। अब देखो, डिटरमाइन द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ पॉलीगन, पॉलीगन की बात भी हम कर लेते हैं पहले, डिटेल में जाने से पहले। टू पॉलीगन आर टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ मस्ट हैव इक्वल नंबर ऑफ साइड, हेंस इक्वल नंबर हैज द सेम नंबर ऑफ वर्टेक्स। जैसे कि आपको यहाँ पे पॉलीगन नजर आ रहा है, पॉलीगन इक्वल कब होंगे या कॉन्ग्रुएंस कब होंगे, द ऑरेंज एंड ग्रीन कोऑर्डिनेटर आर कॉन्ग्रुएंस। ऑरेंज और ग्रीन ये दोनों कॉन्ग्रुएंस है। द ब्लू इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू द डैम, द थ्री हैव द सेम पैरामीटर एंड एरिया। इनका पैरामीटर और एरिया जो सेम है इस बार, बट जो ये कॉन्ग्रुएंस है केवल ऑरेंज और ग्रीन ही है, ब्लू नहीं है। उसका एरिया तो इक्वल है लेकिन उसके अदर जो साइड्स हैं वो इक्वल नहीं बन पा रहे। द अकॉर्डिंग टू द साइड ऑफ द ब्लू क्वाड्रिलेटर,
इज मिक्स विद द रिजल्ट इन टू ऑफ द इंटरनल एंगल एंड वन ऑफ द डायगोनल इज नॉट कॉन्ग्रुएंस। इस वजह से अब कॉन्ग्रुएंसी रूल्स क्या होते हैं, तो अब हम आते हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। ये तो था हमारे अब तक का लाइंस एंगल पॉलीगन्स की कॉन्ग्रुएंसी बारे में। अब डिटेल में जानते हैं जो आपको अभी भी काम आना है, यानी सेवन स्टैंडर्ड में से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक आपको ये बहुत ज़रूरी है जानना कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, और ये आपको अभी से लेके आगे भी काम आने वाले हैं। जैसे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल क्या कहते हैं, टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंस, टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंस अब ये बता रहा है कि कॉन्ग्रुएंसी में ट्राइंगल्स के बारे में क्या है। पहले तो हम डिटेल में आ गए जबकि हमें कॉन्ग्रुएंसी के बारे में जाना था। ठीक है, तो जैसे कि टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड आर इक्वल इन लेंथ। टू ट्राइंगल जो भी दो ट्राइंगल हैं वो कॉन्ग्रुएंस कब होंगे, जब उसके दो करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड लेंथ इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग आर मेजर सेम। इफ द ट्राइंगल ए बी सी आर कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल डी ई एफ, ट्राइंगल ए बी सी और डी ई एफ कॉन्ग्रुएंस कब होंगे, ये आपका कॉन्ग्रुएंस का साइड होगा। इन मेनी केसेस इफ सफिशियंट टू स्टेब्लिश द थ्री करस्पॉन्डिंग पार्ट्स एंड वन ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट रिड्यूस द करस्पॉन्डिंग ऑफ टू ट्राइंगल। अब कॉरस्पॉन्डिंग फाइंड आउट करने के लिए तीन चार रूल्स हैं जो मैं आपको बताता हूँ कि कॉन्ग्रुएंसी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। डिटरमाइन कॉन्ग्रुएंसी थ्रू, देखो आपको नजर आ रहा होगा साइड एंगल, साइड एस ए एस, शॉर्ट में हम इसे लिखते हैं एस ए एस, यानी साइड एंगल साइड। अब साइड एंगल साइड क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले तो इफ टू पेयर ऑफ साइड ऑफ टू ट्राइंगल आर इक्वल इन लेंथ एंड इंक्लूडेड एंगल आर इक्वल, यानी कि दो साइड्स इक्वल हो और उसके बीच में जो एंगल है वो भी इक्वल हो, तब हमारा लगता है साइड एंगल साइन, देन द मेजर ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। अब उसके बाद है साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड क्या होता है, जिसमें तीनों ही साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं। साइड 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 इफ थ्री पेयर ऑफ साइड ऑफ टू ट्राइंगल आर इक्वल इन लेंथ देन द ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, यानी कि तीनों साइड जब बराबर होते हैं तब हम लगाते हैं साइड 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 का कॉन्ग्रुएंस रूल। अब आता है हमारा एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल इफ द टू पेयर ऑफ एंगल आर टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट इन इक्वल मेजरमेंट। अब ये समझ लो सिंपल कि जो हाँ ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, इसका मतलब ये होता है कि एंगल साइड एंगल यानी कि एक दो एंगल और इंक्लूडिंग साइड जो है वो बराबर होते हैं तब हमारे ये रूल्स लगते हैं। ये सारे के सारे रूल्स हैं जो हम कभी भी ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने में यूज यूज करते हैं। एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड क्या होता है, इफ टू पेयर ऑफ एंगल ऑफ टू ट्रायंगल आर इक्वल इन मेजर एंड द पेयर ऑफ कोरस्पोंडिंग नॉन इंक्लूडिंग साइड्स आर इक्वल इन लेंथ देन द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट बाय ए ए एस इक्विवेलेंट और ए एस एस कंडीशन, यानी कि दो एंगल और साइड्स नहीं होते हैं। नाउ एक है हमारा आर एच एस, आर एच एस यानी राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड्स आल्सो नोन एज एच एल हाइपोटेनियस लेग। इफ टू राइट एंगल ट्राइंगल एंड देयर हाइपोटेनियस इक्वल इन लेंथ एंड पेयर ऑफ शॉर्टर साइड आर इक्वल इन लेंथ देन द ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, यानी कि जिसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता हो और उसका जो हाइपोटेनियस है वो आपका जो होता है अदर टू साइड्स के बराबर ही होता है। और आपको ये याद होगा कि जब हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है तब हम पाइथागोरस थ्योरम से ये प्रूव भी करते हैं कि बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है। अब जो हमने अभी तक रूल्स पढ़े हैं वो उसके बारे में डिटेल में नहीं लिखा है, साइड 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 एंगल, तो ये सब कुछ कंडीशंस हैं
जो आप यूज करते हो। अब इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी आएगा। अब देखो, एक एंगल ये हमारे पास है ए ए ए, एंगल एंगल एंगल। सिंस एंगल 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 का मतलब है टोटल वो कार्बन कॉपी होगा दूसरे वाले ट्रायंगल का। देखो, ट्रायंगल इज डज नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द साइज एंड टू ट्रायंगल आर प्रूवन बाय ओनली सिमिलरिटी कंडीशन। यानी कि इस वाले ट्रायंगल में, एंगल 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 में आपको और कोई भी कंडीशन प्रोवाइड नहीं करेगा, सिर्फ कंडीशन से हो रखे। अब एक लास्ट है हमारा सी पी सी टी होता है, यानी सी पी सी टी का मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेस ट्रायंगल आर कॉन्ग्रेंट। यानी कि अगर किसी ट्रायंगल्स का जब हमने प्रूफ कर लिया ए बी सी डी अगर हमारा कॉन्ग्रुएंस है डी ई एफ का, इसका मतलब ये होता है कि ये कॉन्ग्रुएंस है। देखो, इसके कंडीशन का मतलब क्या हो गया, ए बी कॉन्ग्रुएंस टू डी ई, बी सी कॉन्ग्रुएंस टू ई एफ। यानी कि ए बी जो है तो डी ए ई के बराबर है, बी सी जो है ई एफ के बराबर है, ए सी आपका डी एफ के बराबर है। एंगल बी ए सी बराबर है एंगल डी ई एफ के, एंगल ए बी सी बराबर है एंगल डी ई एफ के, एंगल बी सी ए बराबर है एंगल ई एफ डी के। तो सबसे पहले तो हमारा क्या करना है कि हमें कॉन्ग्रेंस प्रूफ करना है, और उसके बाद अगर आप सी पी सी टी कंडीशन लगा देते हैं तो इसका मतलब है किसी भी ट्राइंगल के क्रोसोमिंग पार्ट्स और ट्राइंगल सब इक्वल है, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब इससे बेस क्वेश्चन के लिए मैं अब आपको दूसरी वीडियो बनाऊंगा जिसमें हमें आपको कॉन्ग्रुएंस कैसे प्रूफ करते हैं। ये तो सिर्फ सिंपल डेफिनेशन थी जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी, बेसिक इन्फॉर्मेशन। इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से आप प्रूफ कर सकते हो कि आपस में कॉन्ग्रुएंस है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू सो मच।